सारा देश में 21 दिनिया ताला बंद आज हूँ प्रथम दिन गत काली मध्यरात्रि ओडिशा कटकणा को कड़ाकड़ी भाव पालन करने को आरंभ हो उद्यम तालाबंद समय रे घर पदा को न बाहर को अपील कर प्रधानमंत्री यह अवसर में राज्यर विभिन्न स्थान में जोर धरी गाड़ी मोटर चेकिंग रास्त अनेक स्थान में ब्यारिकेड या पुलिस लोकों घर पदा को न बाहर को परामर्श दे देखा मिली या सहित करोना मुकाबलें लोकों पदा को न बाहर को लोकों सचेतन करुच्ची तालाबंद प्रथम दिन में राजधानी भुवनेश्वर विभिन्न छक आरंभ हो जोरदार चेकिंग तालाबंद कटकणा को बेखातिर कर पदा को बाहर लोकों रास्त अटकई पुलिस पचराउचरा करने फेर दे देखा मिली सरकार जनई जो थंडा खास ज्वर किंवा करोना भली लक्षण देखा से माने तुरंत ऑफिस छाड़ी 14 दिन छुट्टी रहिबे एने गत 29 तारीख में विज्ञप्ति प्रकाश पाई मंगलवार निष्पत्ति क्रमे जो कर्मचारी दुरारोग्य व्याधि जथा मधुमेह श्वासक्रिया जनित रोग हृदयरोग भ्रूक संबंधी रोग तथा अत्यंत शारीरिक दुर्बलता थी से आसंता 12 दिन पर्यंत छुट्टी रहीपरेंगे एथपाई संपृक्त कर्मचारी कौन मेडिकल प्रमाणपत्र देवा पड़ ना ये निर्देश को तुरंत कार्यकारी करने को सरकार समस्त विभाग विभाग मुख्य राजस्व आयुक्त एवं जिलापा निर्देश दि जा सभी देशों के 2 महीनों के अध्ययन से जो निष्कर्ष निकल रहा है और एक्सपर्ट्स भी यही कह रहे हैं कि इस वैश्विक महामारी कोरोना से प्रभावी मुकाबले के लिए एकमात्र विकल्प है सोशल डिस्टेंसिंग। सोशल डिस्टेंसिंग यानी एक दूसरे से दूर रहना, अपने घरों में ही बंद रहना कोरोना से बचने का इसके अलावा कोई तरीका नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। कोरोना को फैलने से रोकना है तो उसके संक्रमण की जो साइकिल है उस साइकिल को तोड़ना ही होगा। कुछ लोग इस गलत फहमी में है कि सोशल डिस्टेंसिंग केवल मरीज के लिए, बीमार लोगों के लिए आवश्यक है। ये सोचना सही नहीं। सोशल डिस्टेंसिंग हर नागरिक के लिए है, हर परिवार के लिए है, परिवार के हर सदस्य के लिए है, प्रधानमंत्री के लिए भी है। कुछ लोगों की लापरवाही, कुछ लोगों की गलत सोच आपको, आपके बच्चों को, आपके माता पिता को, आपके परिवार को, आपके दोस्तों को और आगे चल करके पूरे देश को बहुत बड़ी मुश्किल में झोंक देंगी। अगर ऐसी लापरवाही जारी रही तो भारत को इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है और यह कीमत कितनी चुकानी पड़ेगी इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। साथियों, पिछले 2 दिनों से देश के अनेक भागों में लॉकडाउन कर दिया गया है। राज्य सरकार के इन प्रयासों को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। हेल्थ सेक्टर के एक्सपर्ट्स और अन्य देशों के अनुभवों को ध्यान में रखते हुए देश आज एक महत्वपूर्ण निर्णय करने जा रहा है। आज रात 12 बजे से पूरे देश में, ध्यान से सुनिए, पूरे देश में आज रात 12 बजे से
संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। हिंदुस्तान को बचाने के लिए, हिंदुस्तान के हर नागरिक को बचाने के लिए, आपको बचाने के लिए, आपके परिवार को बचाने के लिए आज रात 12 बजे से घरों से बाहर निकलने पर पूरी तरह पाबंदी लगाई जा रही है।